नजर आ गए हैं क्या माँ जी? अरे वो नसीम। कौन नसीम नजर आ गया माँ जी? नसीम तो मैंने तुझे कहा है नीम। ओह माँ जी मेरा नाम नबील है। हाँ मुझे पता है। चले मसूद बाहर वो देखने चलते हैं। वो क्या? वही जो लॉन में नजर आ रहा है। भाई लॉन में क्या नजर आ रहा है? अरे बाहर लॉन में है ना। अरे वो है क्या? वही जो बाहर निकल आया है। मैं तो नहीं जा रहा अभी, पता नहीं क्या निकल आया। माँ जी आप कभी भूले बगैर बोल सकती हैं? हाँ बोल सकती हूँ, प्लीज बोले। भूले बगैर? अब तुम लोग मेरे साथ बाहर लॉन में वो देखने चल रहे हो कि नहीं? महमूद साहब इनका कोई इलाज है? पता नहीं चंदा, मैं तो अब खुद तंग आ चुका हूँ। हाँ क्या? हाँ याद आ गया। इलाज नहीं, चांद। चंदा चांद नजर आ गया है। क्या? हाँ चलो देखते हैं। मैं दिखाती हूँ तुम्हें। अरे फिर मैं भी देख ही ले। चलो 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 चंदा। कहाँ है महमूद साहब? कौन? चांद महमूद साहब। ये रहा चांद, आपके मुंह से थोड़ा सा ऊपर है। ये तो मेरे बालों का मजाक उड़ा रहे हो। नहीं आपके गंज का। वो रहा। माँ जी वो जहाज है। हाय इतना छोटा। वो रहा नबील। अरे नबील तो ये रहा। ओह मैं चांद की बात कर रही हूँ महमूद साहब। अरे हाँ देखो चांद और मैं कितने मिलते हैं। हाँ गोलाई में। दुआ मांगे भी दुआ मांगे। अरे मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा। हाय आप कहीं अंधे तो नहीं हो गए मिराज? महमूद। आप महमूद हो गए? हाय बेचारे महमूद साहब कैसे दुआ मांगेंगे। वो अंधे हुए हैं गूंगे नहीं हुए। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, मैं चांद की बात कर रहा हूँ। इधर इधर से देखे ना आपको नजर आएगा। इधर से देखे नजर आया? नहीं। चले फिर दुआ मांगे कि मुझे चांद नजर आ जाए। नहीं कि हमारे घर चांद आ जाए। मुबारक हो नबील। मुझे सुतेला भाई नहीं चाहिए। मैं रमजान की मुबारकबाद दे रही हूँ। तुम्हें भी मुबारक। महमूद मुबारक हो। रमजान मुबारक हो। तो माँ जी आप कब से रोजे रख रही हैं? कल से। नहीं मेरा मतलब है कि आप कितने सालों से रोजे रख रही हैं? 30 साल की थी ना जब से मैं रोजे रख रही हूँ पूरे। तो कितने साल बने? 2। क्या? हाँ ना मैं उम्र से छोटी लगती हूँ ना। कौन उम्र? मेरा बेटा नबील। आ गया महमूद साहब। ये क्या है? यही तो मेरा बेटा है। ये तुम हाथ में क्या उठा कर ले आयो? महमूद साहब ये डीवीडीज हैं। तुम क्या डीवीडी शॉप खोल रहे हो? नहीं मैं ये रोजे गुजारने के लिए लाया हूँ। शर्मानी चाहिए तुम्हें नबील, तुम रोजे में फिल्में देखोगे? महमूद साहब रोजे में तो मैं सोऊंगा, फिल्में तो मैं रोजे के बाद देखूंगा। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना शौहर कहते हुए। हैं? ऐसे लोगों को तो रोजे रखना ही नहीं चाहिए, इससे बेहतर है कि तुम फाके कर लो बस। मैं तो सोने जा रही हूँ, मुझे सहरी में उठना है। भाई मैं तो सहरी करके फजर की नमाज अदा करके फिर सोऊंगा, देखो मुझे उठाना नहीं है। मैं तो आपको वैसे ही नहीं उठा सकती इमरान। मेरा मतलब है कि मुझे जगाना ना जब तक कि अफ्तार का सायरन ना बज जाए। भाई मैं भी सहरी से 10 मिनट पहले ही उठती हूँ। सहरी करके? वो सहरी के लिए, और वैसे भी मैंने कौन सी सहरी करनी होती है, एक दूध का ग्लास पीना होता है बस। अरे तो फिर सहरी बनाएगा कौन? भाई माँ जी बनाएंगी और कौन। तो हम क्या रोज सहरी में तुम्हारी माँ का इंतजार करेंगे? मैं माँ जी आपको कह रही हूँ। माँ जी खबरदार, चुप है। जो मेरे साथ वो करने की कोशिश की। वो क्या? वो जो टीवी ड्रामों में बहुएं सास के साथ करती हैं। सीन? नहीं वो जो सीन के अंदर करती हैं। क्या कह रही हो मुमताज? आप चुप करें बरकत, ये लड़की ना बड़ी चलाक है। हाँ चुप है। खबरदार मेरे साथ तूने चलाकी करने की कोशिश की। मैंने अपने बेटे की शादी तुझसे इसलिए नहीं की थी कि मैं रोजे में भी काम करूंगी। मैं सहरी नहीं बनाऊंगी। मैं भी नहीं बनाऊंगी। अगर सुबह सहरी नहीं मिली ना मुझे तो मैं देख लूंगी। अरे जब सहरी मिलेगी नहीं तो देखोगी क्या तुम? मैं इसको देख लूंगी। दास? मोमो? मोमो? खूबसूरत माँ जी, खूबसूरत खूबसूरत। इसमें मुंह बनाने की क्या बात है? बात मुंह बनाने की नहीं है, सहरी बनाने की है। तो फिर मैं क्यों सहरी बनाऊं? क्योंकि सहरी कम बनाना पड़ती है। मतलब? मतलब ये कि रात का खाना खा के सोएंगे तो सुबह उठ के कम खाएंगे, यानी सहरी कम बनाना पड़ेगी। कैसा? बात तो तुम ठीक कर रहे हो।
ठीक वीक नहीं है। क्यों? मैं सहरी नहीं बनाऊंगी। तो तुम अफतारी बना लेना। सहरी में? अफतार में। क्यों? अरे क्योंकि अफतारी कम बनानी पड़ेगी। देखो बाद में लोगों ने खाना भी खाना होता है, इसलिए वो अफतारी हल्की फुल्की करते हैं। फुल्की नहीं, पकौड़ियाँ। हाँ हाँ वही। ठीक है, मंजूर है? कहाँ है मंजूर? मेरा मतलब है कि तुम्हें ये बात मंजूर है। आओ फिर मेरे साथ। मैं मुमताज को मनाकर ले आया। मुमताज तुम्हारा नाम है? अच्छा। माँ जी आपसे नाराज थी मैं मुझसे? मुझसे नहीं, तुम लोगों से। अच्छा, फिर क्या सोचा आप लोगों ने? मैं बताती हूँ, हमने वो कर लिया है। वो क्या? वो जो हम अंदर करने गए थे। महमूद साहब। अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी माँ ने वो किया है। हाँ हाँ मैंने ही वो किया है। वो क्या? वही जो जज करते हैं। माँ जी क्या? बीच में मत बोल फैसल, मैं भूल जाऊंगी। हाँ याद आ गया, हमने फैसला कर लिया है। क्या फैसला? सहरी खूबसूरत बनाएगी। आपने तो कहा था मैंने इफ्तार बनानी है। मैंने? नहीं मैंने। अरे वही तो कहा है आपने, कहा था सहरी खूबसूरत बनाएगी। अरे तो खूबसूरत वो है। मैं नहीं हूँ क्या? ओहो माँ जी, इसका नाम खूबसूरत है। इस मुंह पे ये नाम रखते हुए शर्म नहीं आई इसको? ये नाम किसने रखा है और मुझे क्या पता? अरे यार लड़े मत, अब तो डिसाइड हो गया ना। हाँ इसको बोल जाके सो जाए, सुबह उठ के इसको सहरी भी बनानी है। ठीक है, मैं अभी सहरी बना के फ्रिज में रख दूंगी, जिसने खानी होगी सुबह गर्म कर ले। और मैं तो सहरी खा के सो जाऊंगी, और बच गई ना तो जिसके नसीब में हो वो खा ले। हैं? वो निहारी है ना? कौन निहारी है? दोपहर वाली निहारी। हाँ। सहरी में वो खाऊंगा। वो क्या? निहारी। अच्छा, पराठे के साथ। आपके मुंह में वो आ रहा है? वो क्या? वो जो घर में नहीं आ रहा, पानी। हाय अल्लाह जी, मेरे बोले बगैर ही समझ गए अभी तो। जल्दी सो रहा है ना इसीलिए बेगम। हाँ अब वो अलार्म लगा दिया? हाँ। सोए? हाँ जी। चलो इधर ही सो जाते हैं, चलने की क्या जरूरत है। अरे यहीं सोने के लिए कह रहा हूँ बाबा। चलो सो जाओ, जल्दी उठना है। हजरात, सहरी का वक्त ख़त्म होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। कुल्ली वगैरह कर लीजिए, पानी वगैरह पी लीजिए। 5 मिनट बाकी हैं, 5 मिनट। मुश्ताक, मुश्ताक उठे, उठे मुश्ताक, वो होने वाले उठे। महमूद। महमूद नहीं वो। वो क्या? वही जो सहरी से पहले होता है। सोने का वक्त? नहीं वो। अरे क्या यार, तुम आधी रात को नींद से उठा कर ये फजूल सी बातें कर रही हो, सोने दो। अरे वो होने वाला है इम्तियाज। इम्तियाज जब हो जाएगा ना फिर देख लूंगा, अभी मुझे सोने दो। ओहो सो जा। विकी विकी। माँ जी ये विकी कौन है? मुझे क्या पता, मुझे क्यों पूछ रहे? आप ही तो भी कह रही थी कि मुझे पूछ विकी कौन है। नहीं आप विकी विकी कर रही थी। मैं तो दरवाजा बजा रही थी। हाँ दरवाजे में से विकी की आवाज आ रही होगी। विकी दरवाजे के अंदर है। माँ जी आप क्या कहने आई थी यार। वो होने वाला है बेटा। किसका बेटा होने वाला है? नहीं नहीं वो जो मस्जिद में होता है। वो क्या? वो जिसके बाद अजाने होती है।
सायरन? हाँ हाँ सायरन, सायरन होने वाला है। यार माँ जी को किसने कहा था अलार्म लगाने के लिए? हाँ तो मैं अलार्म ना लगाती तो तुम लोग उठते कैसे? ये तुमने ठीक नहीं किया मोमो। आपका मुँह? अबे नहीं, अब मैं बगैर सहरी के रोजा कैसे गुजारूंगा? मैंने सोचा था कि सहरी के वक्त निहारी के साथ पराठा खाऊंगा, बाद में लस्सी पीऊंगा। यार महमूद साहब इस तरह की बातें ना करें, रोजा खराब करने वाली। हाँ ऐसी बातें करना है तो सिर्फ मुझसे करें। मैं सोने जा रहा हूँ। कहाँ? अपने बेडरूम में माँ जी, हो सकता है सोते में रोजा कम लगे। कैसे सोगे, लाइट ही नहीं है, पंखे के बगैर सो लोगे? चलो हाथ वाला पंखा चलो जाके मुझे। What? Shut up, you... नहीं, मेरा रोजा मकरूह हो जाएगा। आपको क्या हुआ है सलमान? मत पूछो। क्यों ना पूछूं, मैं आपकी वो हूँ। लेकिन मैं नहीं पूछूंगा कि वो क्या। पूछ तो लिया ना। अरे बेगम, अरे मेरे सबर का दोहरा इम्तिहान मत लो। आपके पेट में दर्द हो रही है मकबूल? महमूद। महमूद हो रहे हैं? लेकिन कैसे? अरे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। लेकिन कल तो आपने मुर्गी खाई थी। मुहावरा। मुहावरा खाया था? मुहावरा बोला है। खाया तो कुछ और था। मोमो अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप परेशान ना हो शानवाज, मैं आपके लिए किचन से खाने के लिए वो लेकर आती हूँ। निहारी, चूहे मार दवाई। ईमान से थोड़ी सी खाएंगे ना, सारे चूहों ने मर जाने पेट में। वो जो तूने रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है माँ जी? मुंह में रखा हुआ है। माँ जी मुंह में तो सिर्फ दांत है मेरे, मैं अपने दांत क्यों तोड़ूंगी, और वो भी रोजे में। हाँ हाँ खबरदार, जब तूने रोजा तोड़ने की कोशिश की नहीं तो मैं तेरे दांत तोड़ दूंगी, समझी? मैं तो सिर्फ टहल रही थी यहाँ पे माँ जी। इतना बड़ा लॉन बाहर है, वो नहीं तुझे नजर आता? किचन में टहलने की क्या जरूरत थी, जाके बाहर टहल। अच्छा और सुन, खबरदार जो तुमने घास तोड़ के खाने की कोशिश की उससे भी रोजा टूट जाता है, समझी? जी हाँ जी। चार घंटे रह गए इफ्तार में। चार घंटे? हाँ जी, इतनी जल्दी रोजा गुजर गया पता ही नहीं लगा। मोमो मैं चार घंटे जिंदा नहीं रह सकूंगा। ये मोमो कौन है? तुम्हारा नाम है मोमो मुमताज। तो फिर ये मुमताज कौन है? तुम। ओए अल्लाह जी, दो दो नाम है मेरे। हाँ जब भी तो मैं बोलूं मुझे इतनी भूख क्यों लगती है। मोमो जी सादक। महमूद। महमूद क्या? मैं महमूद हूँ। हाय अल्लाह जी, आपके भी दो दो नाम है। मुमताज। हाँ जी। मेरे मरने के बाद
तुम दूसरी शादी कर लेना। नहीं प्लीज मुमताज, तुम दूसरी शादी कर लेना। दूसरी नहीं। क्यों? तीसरी शादी। हाँ हाँ हाँ, तीसरी शादी तुम कर लेना। आप फिक्र मत करें शानवास, तुम तीसरी शादी कर लोगी। नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, मैं भी आपको किचन से वो ला के देती। खाने के लिए? नहीं नहीं, पढ़ने के लिए। ऐसी ऐसी आला तरकीबें लिखी है ना, इधर तरकीब लिखी है तो इधर इतना बड़ा फोटो लगा हुआ है डिश का, हैं? तो जो आप कहेंगे मैं आपको पका के दे दूंगी, चाट मसाला भी छिड़क दूंगी। आप फिक्र ना करें, मैं अभी लेकर आती हूँ। कोई घर में है, डीवीडी बदल दो। मुझे नहीं उठा जा रहा भाई। खूबसूरत माँ जी मनोज साहब, ओह या अल्लाह, ये कब खुलेगा रोजा? अशरफ बेटा, बिरयानी बना लूं तेरे लिए मैं। हाँ बिरयानी बना ले माँ जी, लेकिन जिक्र ना करें, अब और सब्र नहीं हो रहा। ठीक है बेटा, मैं बना लूंगी, फिक्र ना करना। हाँ बेटी शाजिया, मैं जरा पास्ता बना लूं। क्या? पास्ता पास्ता प्लीज माँ जी। ओके जल्दी करो, ये ना हो कि बाजार से बिरयानी मंगवानी पड़ जाए। ठीक है शकील, चाट मसाला छिड़क दूं? महमूद। हाँ ठीक है, वो है ना, कर दे। क्यों जो मर्जी छिड़क दो, जल्दी करो। जी ले आए। अब मैं तेरे लिए माँ जी किधर से लाऊं इस वक्त बेटा, हैं? सारी की बात कर रहे हैं माँ जी, प्लीज ले आए। मैं इस वक्त बाहर नहीं जा रही, अल्लाह माफी, बड़ा रश होता है दुकानों पे। अरे किचन में से अफतारी ले आओ मोमो। आपने अफतारी किचन में रखी थी? अरे वो जो पास्ता आप मेरे लिए बना रही थी माँ जी, उसकी बात कर रहे हैं। और मेरे लिए बिरयानी, और मेरे लिए वो समोसे और प्याज वाले पकौड़े। वो तो मैं अपने लिए पूछ रही थी ना, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या क्या खाऊं। अरे तो वो ही ले आओ। वो तो मैंने खा लिया। क्या? अरे तुम्हारा तो रोजा था। क्या? हाँ। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।